हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हम बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। ये क्लास फर्स्ट ईयर में पहले चैप्टर है, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज हम लोग यहाँ पर सब कवर करेंगे। यहाँ पर टॉपिक हमारा आइसोटोप, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो बार, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं समस्थानिक, सब इलेक्ट्रॉनिक, और ये है संभारिक। यहाँ जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे यहाँ पर आज मेरे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो भी टॉपिक है इसके बारे में। इसके पहले हम लोग इनको पहले समझने से पहले हम एक काम करते हैं, सबसे पहले बहुत ही बेसिक पढ़ लेते हैं हम लोग किसी एटम के बारे में। इसको हिंदी क्या बोलते हैं? परमाणु, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पहले समझ लेते हैं, चूंकि इसमें बहुत सारा बेसिक चीज छुपा हुआ है, ठीक, जो मोस्टली बच्चों को नहीं आता है। देखिए, एटम क्या है? ऐसा इंडिविजुअल पार्टिकल, अकेला एक कण जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन और नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है और नहीं भी ले सकता, उसको हम लोग बोलते हैं परमाणु। देखिए, एटम्स कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। किसी पदार्थ का छोटा छोटा वह कण जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता हो या पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। अब इसमें कौन से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते हैं? देखिए, मैं यहाँ पर बात करूँ हाइड्रोजन के बारे में। तो हाइड्रोजन क्या है? इसमें कैसा, ये न्यूट्रल है, कोई इसके पास चार्ज नहीं है, तो ये क्या किया इसने? केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर ये जो हमारे कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे? एटम। यानी ये न्यूट्रल है, उदासीन है, अकेले हैं, और हम एक हाइड्रोजन को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, हमारा हाइड्रोजन नंबर होता है परमाणु क्रमांक 1.08 होता है, ठीक है। अब हम वो सोचें कि इसको हमें क्या करना है, इसके एटॉमिक वेट को डिवाइड करना है बटे टू, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब होता है कि एटम वो होते हैं जो इंडिविजुअल हों, यानी अकेले हों, न्यूट्रल हों, उदासीन हों, रासायनिक क्रिया कर भी सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। अब ये देखिए, रासायनिक क्रिया किया, ये कैसा हो गया? रिएक्टिव एटम, यानी क्रियाशील परमाणु। अब कुछ ऐसे हों जो नॉन रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, जैसे आपके बहुत सारे आ जाएंगे जिसमें वाले सोडियम है, ठीक है, इसलिए हम ऐसे ले सकते हैं जो नॉन रिएक्टिव पार्टिकल है, तो कर लेगा सोडियम क्रिया। मान ली हमें नॉन रिएक्टिव जाना हो तो हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर जीरो ग्रुप के लोग, जीरो ग्रुप क्या बोलते हैं? 18th, और इसको हम लोग बोलते हैं शून्य वर्ग के तत्व। इसमें कौन कौन लोग आते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन। ये लोग क्या करते हैं? जितनी मात्रा में उतनी मात्रा में ये वायुमंडल में है, लेकिन ये लोग रासायनिक क्रिया नहीं करते हैं, तो हम लोग इसको बोलते हैं नॉन रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। इसमें एक रेडॉन ऐसा होता है जो एटमोस्फियर में नहीं पाया जाता है। 2019 ऐसा क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि कौन सी ऐसी इनर्ट गैस है जो अक्रिय, जो आपकी वायुमंडल में नहीं पाया जाता, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेडॉन। तो यहाँ पर हम एटम के बारे में देखें क्या जानकारी हमको मिली है, जो कैसा हो, अकेला हो, नॉट डिवाइडेड, जिसको हम लोग विभाजित नहीं कर सकते हैं, रासायनिक क्रिया कर भी सकता है और नहीं भी कर सकते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एटम। आप लोग देखते हैं यहाँ पर बहुत ही बेसिक चीज जो है कि एटम के बारे में क्या क्या है। देखिए, हमारा जो एटम है वो किससे कंपोज होता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर के बना होता है, ठीक। देखिए, ये बहुत बेसिक चीज है। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन जो होते हैं ये लोग किसमें होते हैं? नाभिक में। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? न्यूक्लियस के बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये मैंने बना दिया है एटम का डायग्राम। यहाँ पर ये हमारा न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन होंगे यानी नाभिक है, और ये हमारे जो नंबर ऑफ सेल है KLMN, इनका कोई भी नंबर ले लिया हमने 1, 2, 3, 4, ठीक है, इस तरीके से। अब हम लोग यह बताना चाह रहे हैं आपको कि जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं कहाँ होते हैं? नाभिक में। इनको हम लोग जनरली एक नाम देते हैं न्यूक्लियॉन। क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियॉन। पूछा जाता है न्यूक्लियॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसी का भी हम लोग नाम देंगे मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या, और इसको हम लोग नाम देते हैं एटॉमिक वेट, इसका मतलब परमाणु भार, ठीक। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ऐसा थ्री डायमेंशन एरिया जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल। इसको हम लोग नाम देते हैं सेल, हिंदी बोलते हैं कोष, ठीक है, इसको हम लोग सेल भी कहते हैं। अब यहाँ पर सेल का नंबर होता है N=1, तो के सेल N2, तो एल सेल N3 है, तो M4 है, तो ठीक। तो हमने एटम बारे में ये जाना है, जो परमाणु होता है किससे मिलके बना होता है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन। कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिन कक्षाओं में रोटेट करते हैं, चक्कर लगाते हैं सर्कुलर पाथ में, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? सेल और कोष, ठीक। हम लोग देखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालते कैसे हैं, क्योंकि इनको समझने से पहले हमें ये बेसिक चीज आनी चाहिए, इसलिए मैं उसको इतना बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो है इसके बारे में, यानी हमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन कैसे निकालते हैं। देखिए,
जो हम लोग यहां पर लिखते हैं ऐसे लिखते हैं 1s3, ठीक है। मान ली यहां पर लिख दिया हमने 11Na23, ठीक। कुछ और लिख लेते हैं 19 पोटेशियम, 39 20 कैल्शियम, 40, ठीक। हमने यहां पर ऐसे लिख दिया। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जो यहां पर लिखा जाता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एटॉमिक नंबर। जो नीचे लिखा रहता है वो क्या लिखा रहता है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, जेड, यानी परमाणु क्रमांक बोलते हैं इसको, ठीक है, परमाणु क्रमांक, या इसको बोलते हैं, इसी को परमाणु संख्या भी कहते हैं। ऊपर लिखा रहता है इसको हम लोग द्रव्यमान संख्या बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं मास नंबर। क्या नाम देते हैं, मास नंबर स्मॉल एम। इसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक वेट कैपिटल ए। और ये क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का इक्वल, यानी जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, मास नंबर और एटॉमिक वेट। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन, ठीक है। यहां जो लिखा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और ये एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। मतलब जो यहां लिखा रहेगा वो हमारा क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या, ये कहां पर होगी, न्यूक्लियस में, और ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन संख्या। अब ये तीनों इक्वल कब होंगे, जब हमारा एटम कैसा हो, न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल केस में कैसा होंगे, यहां पर इक्वल होंगे। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे कैसा है ये न्यूट्रल, यानी उदासीन। जब ये न्यूट्रल होंगे तो एटम में एटॉमिक नंबर प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, ठीक। तो हमने क्या जानकारी ली, एटम किसी में यहां पर लिखा रहता है उसको हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं, ऊपर जो होता है, ठीक है, इसको द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार बोलते हैं, और ये क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का बराबर। अब कैसे पता चलेगा यहां पर 3, यहां पर 23, 39, 40 कैसे लिखा जाता है। देखिए जिसका एटॉमिक नंबर जो है 2 से डिवाइड ना हो उसका ठीक डबल करके +1 जोड़ दो, ठीक। जैसे 11 है तो 2 से पूरा नहीं कटेगा, 11 2 22 21, यहाँ पर 19 है 38, 1 39, ये पूरा डिवाइड हुआ 20, 2 से कट जाएगा तो कितना हो गया 40। अब जैसे मान लो यहाँ पे लिखे हम लोग 1 ऑक्सीजन, अब ये पूरा डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 16। ऐसा कोई है जो डिवाइड नहीं हो तो उसका एटॉमिक वेट लगभग 2 गुना जोड़ के 1 और जोड़ दो। मान लो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग फास्फोरस का 15, तो जो 2 से पूरा डिवाइड नहीं होगा तो 15 2 3 से कितना हो गए 31। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, यहाँ पर एटॉमिक वेट एटॉमिक नंबर का लगभग डबल, ठीक। अब यहाँ पर ये जानकारी मिल गई कि मास नंबर क्या है और उसका परमाणु क्रमांक नंबर क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, ठीक। क्योंकि अगर आपने ये पहचान लिया तो हमारा ये तीनों टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर हटाते हैं इसको, ठीक। कुछ यहाँ पर निकालते हैं कैसे न्यूट्रॉन निकालते हैं, ये कैसे देख सकते हैं। देखिए इसका एक प्रूफ भी यहाँ पर जो है, देखिए मान ली हमने यहाँ पर क्या लिखा था 19, अब मुझे निकालना, देखिए इसमें ये एटॉमिक नंबर है, अब यहाँ पर क्या है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। तो जब न्यूट्रॉन निकालते हैं तो ये द्रव्यमान संख्या, यानी लिख सकते हैं यहाँ पर ए माइनस, ये क्या है जेड, तो ये हमारा क्या आ गया, न्यूट्रॉन की संख्या, यानी परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, ठीक। अब मान लें हम लोग निकाले यहाँ पर न्यूट्रॉन कितना होगा, तो कितना आएगा 39, ठीक। ये इसी हम लोग क्या बोलते हैं, मास नंबर, तो एम भी लिख सकते हैं, ठीक। माइनस जेड कितना है 19, तो कितना हो गया ये 20। अब इसमें प्रोटॉन कितना है, चूंकि जेड इक्वल टू क्या है, पी प्लस पी इक्वल टू ई, जितना परमाणु क्रमांक उतना क्या होगा प्रोटॉन, तो हमने कहा लिया प्रोटॉन, तो प्रोटॉन कितना यहाँ पर है 19। आप इसको ऐड कर लो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को, इन दोनों को ऐड किया तो कितना हुआ 39। तो मैंने क्या बोला है, जो मास नंबर है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का इक्वल होता है, यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन को जोड़ दो क्या निकल जाएगा, द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार, ठीक। तो हमारा यहाँ से ये चीज हमें समझ में आ गई कैसे हम लोग लिखते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो हम लोग यहाँ पर इस चीज को समझ गए, ठीक है। जो ये लिखा रहता है वही क्या हमारा है, इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब हम लोग कुछ बात करते हैं यहाँ पर चार्ज के बारे में। देखिए इसको कब लगाएंगे, जब हमारा एटम कैसा है, न्यूट्रल है। अगर मान लो कोई चार्ज स्पेसिस है उसके बारे में कैसे देखेंगे, देखिए मान लीजिए कोई अगर आवेश दिया जाता है किसी परमाणु पर, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन हम लोग कैसे निकालते हैं, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक में अलग अलग आपको चार्ज दिए जाएंगे, ठीक। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको बता दूं, मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है Mg2+, ठीक है, और जेड इक्वल टू है 12। अब यहां पर पूछा है मैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आपको बताना है, न्यूट्रॉन भी बताना है, ठीक है। तो देखिए ये अभी क्या है, ये किसमें लागू होता है, ओनली फॉर न्यूट्रल एटम के लिए, यानी उदासीन जब परमाणु होता है हम लोग इसको लगाएंगे, ठीक। उदासीन मतलब क्या है, मान लो यहाँ पर पूछता है मैग्नीशियम नंबर है क्वेश्चन
जेड इक्वल टू आपका 12 है। अब इसमें बोलेगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितना है, तो इसका नंबर कितना है 12, तो इसके बाद 12 प्रोटॉन होंगे और 12 क्या होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन जब आपका कोई चार्ज दिया रहता है पॉजिटिव चार्ज, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, इस एटॉमिक नंबर में से पॉजिटिव चार्ज को माइनस कर देते हैं, ठीक, और नेगेटिव चार्ज है तो उसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। हमने यहाँ पर क्या जानकारी दी, अगर कोई जो है हमारा चार्ज स्पेसिफिक है तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करते हैं, नेगेटिव को जोड़ देंगे पॉजिटिव को छोड़ देंगे, ठीक। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, अब देखिए जेड इक्वल टू क्या है, ये हमेशा बराबर रहेगा, चार्ज के केस में ये इक्वल टू नॉट इलेक्ट्रॉन, मतलब प्रोटॉन और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे यहाँ पर, कैसा जब चार्ज दिया जाए तब। तो यहाँ पर हमारा जेड कितना है 12, ठीक है, पी कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर प्रोटॉन 12 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 12 12 24 क्या हो जाएंगे यहाँ पर न्यूटॉन निकालेंगे कितना हो जाएगा 24, पर न्यूटॉन भी हमारे यहाँ पर कैसे हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, ठीक है। अब न्यूटॉन प्रोटॉन जोड़ कितना हो जाएगा 24, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो 12 - 2 = कितना हो जाएगा 10, बहुत ही बेसिक, ठीक। क्या किया हमने, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पॉजिटिव चार्ज है जितना पॉजिटिव उतना माइनस, मान लो बोले अल्मोनियम 3 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो इसका नंबर कितना है देखिए 13 नंबर है, ठीक है, मैंने लिख दिया इसको याद कर लीजिएगा, ये 13 नंबर है, 13 में से कितना गए 3 माइनस, तो कितना बचा यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन। अगर यहीं पर केस निगेटिव होता हमारा, तो निगेटिव हम क्या करते हैं उसको ऐड कर लेंगे, ठीक, निगेटिव केस में क्या करेंगे हम लोग ऐड कर लेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर बोले ओ टू निगेटिव इलेक्ट्रॉन, तो इसका जेड कितना है 8, परमाणु क्रमांक है 8, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 8 और कितना चार्ज है 2, तो कितना हो जाएगा टोटल 10, सल्फर तो नेगेटिव, जेड इक्वल टू है 16, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे परमाणु क्रमांक कितना है 16, 2 नेगेटिव जोड़ दिया कितना हो गया 18 हो गया। पॉजिटिव को हम लोग क्या करते हैं उसमें से माइनस कर देंगे, और निगेटिव क्या करते हैं उसमें से हम लोग उसको ऐड कर देते हैं, किसमें एटोमिक नंबर में, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं, आपको ये 30 तक याद होना चाहिए इसका एटॉमिक नंबर, बिना इसके आप आगे नहीं चल पाए पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, क्योंकि अभी बोला केमिकल बॉन्डिंग पर नहीं, वहाँ पर इसकी जरूरत होगी, ठीक है। एटॉमिक यहाँ पर आइसोटोप आइसोइलेक्ट्रॉनिक आइसोबार सभी में ये आपके पूछे जाते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में आपको एग्जामिनेशन में ये दिए नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें क्या है हमारा, जैसे एटॉमिक नंबर दिया रहता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन नियॉन 10 हो गए, तो इसको पढ़ेंगे हाय ली बे बक नो और फनी, तो हाय ली बे बक नो फनी कितने हो गए 10, ठीक। यहाँ ये ना मांगे अल्लाह सी प्यारी सकल सकल अरे कल्लू का, ठीक है, साइंस टीचर वेरी क्रूर मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने, तो हमारे 30 तक यहाँ पर याद हो जाएंगे, ठीक है। ये है हमारा हाई ली बे बकनो फनी, हाई ली बे बक नो और फनी, ठीक है, ना मांगे अल्लाह सी, ठीक है, प्यारी सा कल अरे कल्लू का, साइंस टीचर वेरी क्रूर मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने, तो हम लोग यहाँ पर इसको भी लिख देंगे, इसको समझ जाएंगे 30 तक, ठीक। अब देखिएगा हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर, हमें क्या पढ़ना है यहाँ पर आइसोटोप पढ़ना, अब आप क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे, अभी जो पढ़ाया वो बहुत बेसिक था, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे समस्थानिक के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं समस्थानिक के बारे में क्या है, अगर वो समझ लिया आपने बेसिक हमारा जो है तो इसको हम लोग बहुत आसानी से समझ जाएंगे। देखिए इसका एक साइंटिस्ट था जो है सोडी, उसने इसको दिया था, किसने दिया था सोडी नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। समस्थानिक क्या होते हैं, समस्थानिक वो होते हैं, देखिए जब भी सब कभी कहीं सब आयसो आता है तो हमेशा किसके लिए होता है उस स्वयं के लिए, आयसो मीन्स वहां पर कोई चीज समान है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या होता है, आइसोटोप में एटॉमिक जो नंबर है यानी परमाणु क्रमांक है वो कैसा होगा, समान होता है, और एटॉमिक जो वेट है इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं मास नंबर है वो कैसा होता है, डिफरेंट होता है, ठीक। यानी ऐसे एलिमेंट जिनमें परमाणु क्रमांक समान हो, अब जब परमाणु क्रमांक समान होगा तो एक ही एलिमेंट के पार्टिकल होंगे उसमें, एक ही एलिमेंट सेम एलिमेंट होंगे उसमें, तो परमाणु क्रमांक जब समान हो और द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो तो उसको हम लोग एक दूसरे क्या बोलते हैं आइसोटोप बोलते हैं, ठीक। अब लोग हम लोग इसके लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लीजिएगा एग्जाम्पल मैं कोई ले लूँ, एग्जाम्पल ऐसे बहुत सारे पूछे भी हैं, ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे आइसोटोप, ठीक,
आइसोटोप, इसको वहां से हटा देते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर ले लूँ आइसोटोप के बारे में, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, आप सभी को मालूम है। ठीक, अब देखिए ये सेम एलिमेंट है तो हम लोग लिख सकते हैं आइसोटोप में एलिमेंट कैसे होंगे, सेम यानी समान तत्व होते हैं। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आइसोटोप में सेम क्या है, तो तत्व तो समान होते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोन हाइड्रोजन। जब एलिमेंट सेम है तो इनका एटॉमिक नंबर भी कैसा होगा, सेम। तो प्रोटॉन नंबर भी कैसा होगा, सेम। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, ये बताए थे हम लोग, एटॉमिक नंबर 111। जब एलिमेंट सेम है तो एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। ठीक, अब देखिए ऊपर लिखते हैं हम लोग एटॉमिक मास, ये डिफरेंट होता है, तो 1, 2 और 3, ये 3 हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एक चीज जो है, जैसे इस आइसोटोप से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं किसके कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जितना जेड है उतना पी है उतना ई है, यानी जितना परमाणु क्रमांक उतने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। अब इनको हम लोग कुछ कॉमनली नाम भी देते हैं, इसको नाम देते हैं हम लोग प्रोटियम, इसको नाम देते हैं ड्यूटेरियम, और इसको नाम देते हैं ट्राइटियम। ये कई बार पूछा जा चुका है, वैसे पूछ लेते हैं ट्राइटियम का एटॉमिक नंबर क्या है, तो एटॉमिक नंबर कितना होगा, 1। बच्चे समझिए ट्राइटियम क्या है, ट्राइटियम का एलिमेंट है ही नहीं, एलिमेंट नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन का क्या है, 3rd आइसोटोप। इसको रिप्रेजेंट करते हैं प्रोटियम की वजह से, हम लोग इसको करते हैं पी से रिप्रेजेंट। ड्यूटेरियम है तो इसको हम लोग करते हैं कैपिटल डी से, ये ट्राइटियम है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। ठीक, तो हमको जानकारी क्या हुई, प्रोटियम 1H1, ट्राइटियम ड्यूटेरियम 1H2 और ट्राइटियम 1H3। ठीक, अब देखिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हमने यहाँ पर देखा है कोई न्यूट्रल एटम होता है तो वहाँ पर परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर 1, 1, 1, तो तीनों में यहाँ पर कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक कैसे होंगे, सभी में बराबर होते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग Z=1, 1, 1, P=2 क्या हो जाएगा, 1, 1, 1, इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे, तीनों में सेम हो जाएंगे, यानी आइसोटोप में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक कैसे होते हैं, सेम होता है। जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होती है, ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगा, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, और जब केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, तो पीरियोडिक टेबल में उनकी पोजीशन भी कैसी होगी, सेम होगी। पूछा जाता है कि निम्न में कौन सा ऐसा एक यहाँ पर एग्जाम्पल है जो जिसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में सेम होती है, वहाँ पर एग्जांपल आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसोस्टीयर बहुत सारे दिए जाएंगे, तो हमको पता है कि आइसोटोप में एटॉमिक नंबर जब सेम होता है तो पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन कैसी होगी, फिक्स्ड होगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी और निकालते हैं न्यूट्रॉन, देखिए अब न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, 1-1 एटॉमिक वेट माइनस क्रमांक यहाँ पर तो जाकर 0। ठीक, 2-1 कितना हुआ, 1। 3-1 कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें कौन सा ऐसा आइसोटोप है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब समान होते हैं, तो देखिए ये वाला सीरीज आ रहा है, ड्यूटेरियम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन परमाणु क्रमांक न्यूट्रॉन कैसा, सभी सेम, डिफरेंट दोनों में है। ठीक, अब देखिए प्रोटियम न्यूट्रॉन कितना है, 0, आंसर 0। ड्यूटेरियम न्यूट्रॉन कितना है, 1, और ट्राइटियम न्यूट्रॉन कितना है, तो आपका 2। जिसमें देखिए N+P का रेशियो ज्यादा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भारी नाभिक, यानी इसका मतलब ऐसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर एक लाइन यहाँ लिखना चाहें, हमें लिखना है यहाँ पर N+P का रेशियो, यानी N+P का मान हम ये पहचानना चाह रहे हैं, वो ये पूछा क्वेश्चन कि आइसोटोप में कौन सा भारी नाभिक है, यानी हैवी न्यूक्लियस है, और लाइटली न्यूक्लियस कौन सा, यानी हल्का नाभिक कौन सा, तो जिसमें N+P का रेशियो सबसे कम होगा वो कैसा होगा, हल्का नाभिक, और जिनमें N+P का मान ज्यादा होगा वो कैसा होगा, भारी नाभिक। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, न्यूट्रॉन निकाला, प्रोटॉन तो आ जाएगा कितना, 1, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कितना, 1, यानी ये कैसा आपके न्यूक्लियस है, हल्का नाभिक है। हल्के नाभिक होते हैं वो नॉन रेडियोएक्टिव होते हैं, और कैसे होते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं, तो क्या पूछे अनस्टेबल कौन सा होता है, तो हल्का जो नाभिक है, हल्का न्यूक्लियस है कैसा होगा, वो अनस्टेबल होगा। ठीक, भारी कैसा होगा, स्टेबल। देखिए यहाँ निकाले हम लोग N+P, तो कितना आ जाएगा, 1+1 कितना हो जाएगा, 2। यहाँ निकाले कितना हो जाएगा, 1+2 कितना हो जाएगा, 3। तो मुझे लग रहा है कि सबसे भारी नाभिक होगा वो क्या होगा हमारा, ट्राइटियम। तो ट्राइटियम जो है, मैंने अभी क्या बोला, हैवी न्यूक्लियस आर रेडियो एक्टिव इन नेचर एंड आल्सो स्टेबल,
तो बोले कि यहाँ पर भारी नाभिक क्या है, तो हमारा ट्राइटियम है। और ट्राइटियम कैसा होता है, ये स्टेबल है, ठीक है, यानी नॉन स्टेबल कौन से होंगे, हल्के, स्टेबल है। और कैसा है ये, रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव। कई बार पूछा जाता है कौन सा आइसोटोप कैसा है, तो रेडियो एक्टिव होता है ट्राइटियम, और कैसा होता है, स्टेबल होता है। और जो ये हल्के नाभिक होते हैं वो नॉन स्टेबल होते हैं, हाँ नॉन स्टेबल होते हैं, और कैसे होते हैं, नॉन रेडियो एक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा, हल्के जो न्यूक्लियस होते हैं बहुत ही क्रियाशील होते हैं, भारी होते हैं, वो कैसे होते हैं, अक्रियाशील होते हैं। तो हम लोग यहाँ से आइसोटोप बारे में जानकारी मिली, कैसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के बारे में निकालते हैं। कुछ यहाँ पर आइसोटोप और लिखते हैं हम लोग, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, देखिए उसको हटा देते हैं, इसके कुछ और एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अब यहाँ से कई बार इसके अगर आप करेक्टरिस्टिक पूछा जाए, देखिए तो मैं यहाँ पर कुछ लिख दूँ, आप हेडिंग लिख सकते हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोटोप, यानी समस्थानिक के लक्षण। देखिए मैं लिख दूँ यहाँ पर, कुछ पॉइंट पूछे जा चुके हैं, यानी इनमें कौन कौन से सेम होते हैं। देखिए मैं क्या कहूँ, आइसोटोप, हालांकि क्वेश्चन बहुत ईजी आता है, आप लोग निकाल लेंगे, यानी समस्थानिक के लक्षण क्या है। तो हम लिखे यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोटोप। अब यहाँ करेक्टरिस्टिक्स क्या है, देखिए ये तो हम बता चुके हैं कि जेड इजकल टू पी इजकल टू ई, समस्थानिकों परमाणु क्रमांक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं सेम, हम वो लिख रहे हैं यहाँ पर जो क्या है, समान होते हैं, हम उन लक्षणों को लिख रहे हैं जो कैसे हैं, समान, ठीक। अगला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फिग्रेशन है, यानी इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है वो कैसा होगा, सेम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन आर सेम। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम होगा तो लिख सकते हैं ड्यू टू दिस रीजन केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अगला पॉइंट, यानी रासायनिक जो गुण होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज आर आल्सो सेम, यानी रासायनिक गुण कैसे होंगे, समान होंगे। जिनके केमिकल प्रॉपर्टीज समान होती हैं उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं। देखिए और यहाँ पर सेम क्या होते हैं, सेम एलिमेंट, तत्व भी कैसे होंगे, समान होंगे। ये क्वेश्चन पूछे गए सभी, ठीक है। अगला क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, पोजीशन इन ए पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल आर सेम, यानी जो आवर्त सारणी में इसकी जो स्थिति होगी कैसी होगी, वो सेम होगी, ठीक है। अब देखिए इतनी प्रॉपर्टीज की सेम हो गई, कई बार पूछ लेंगे निम्न में कौन सा ऐसा है जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी और पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन सेम होती है, तो कौन सा होगा वो, आइसोटोप। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंट क्या है, ये यहाँ पर हो गया, ठीक है। हम लोग यहाँ बात करेंगे डिफरेंट क्या, यानी अलग अलग क्या होते हैं, तो मुझे पता है कि यहाँ पर मास नंबर कैसे होंगे, अलग अलग, इसी क्या बोलते हैं एटोमिक वेट, ये कैसा है, अलग अलग, ठीक, यानी सेम प्रॉपर्टीज दिस करेक्टर्स एंड डिफरेंट मास नंबर एंड एटॉमिक वेट। और यहाँ पर जब मास नंबर डिफरेंट है तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन, न्यूक्लियन आर कैसे होंगे यहाँ पर डिफरेंट। अब कई बार बोलेंगे न्यूक्लियन डिफरेंट किस में होता है, तो न्यूक्लियन क्या है, एन प्लस ई का रेशियो कैसा होता है, सभी में अलग अलग। आपने देखा प्रोटियम में 0, ड्यूटेरियम में 1, ट्राइटियम में 2, तो न्यूक्लियर प्रॉपर्टी कैसी होगी, यहाँ पर अलग अलग हो गई। तो हमारे आइसोटोप से इतने सारे यहाँ पर प्रॉपर्टीज हो गई, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और इसको बना लेंगे, अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे। अब लोग देखते हैं यहाँ पर कुछ और आइसोटोप एग्जाम्पल, ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में, ठीक है। देखिए जो भी किसी का वीडियो हो, कोई यूट्यूबर हो इंडिया में, जो है हम लोग तो कोई वैसा ही नहीं है, ठीक है, तो हमें तो ज़्यादा आता ही नहीं है, कोशिश करते हैं आप लोगों को थोड़ा सीखने की। तो जो भी आपको अच्छा लगता है उसका वीडियो, आप उससे क्या क्या करिए, अपने नोट्स वो चीज़ें ऐड कर लीजिएगा कि इसमें दो पॉइंट हमें मिल गए हैं, चूँकि हो सकता है एग्जाम वही दो पॉइंट आ जाते हैं, कई बार ऐसा होता है किसी ने बताया वही पॉइंट आपके एग्जाम में आ गया, तो वो वहाँ पर आपका प्लस पॉइंट जो है बढ़ जाता है। कोशिश करिए अपने नोट्स में हर चीज़ को उठा उठा के ऐड करते रहिएगा, नोट्स बार बार रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है, जितना कोशिश होगा उतना आपके हाथ में गिर जाएगा, ठीक। हम लोग यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल कौन कौन से, देखिए कार्बन जो होते हैं, कार्बन 3 आइसोटोप होता है, 6 यहाँ पर लिखेंगे 6, 12, 13 और 14। कार्बन का ये वाला आइसोटोप होता है, ये भी कैसा होता है, रेडियो एक्टिव होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, कार्बन कौन सा आइसोटोप होता है रेडियो एक्टिव, ये क्या करता है, आयु ज्ञात करने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है, पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने में पूछा जाता है कौन सा आइसोटोप यूज करते हैं, एज ऑफ प्लांट, ठीक है, ये जो प्लांट में इसका यूज करते हैं रेडियो एक्टिव कौन सा, 6 ही 12 के बारे में।
नाइट्रोजन के आइसोटोप यहाँ पर जो है आपके, मैं बता दूँ एग्जाम्पल तौर पर किस केस से हो गई है, आपका जो है कार्बन हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन, देखिए तो 8 ऑक्सीजन 16, 8 ऑक्सीजन 17 और यहाँ पर लिखे हम लोग 8 ऑक्सीजन जो है 18। ये हमारे हो गए किसके ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का आइसोटोप, ठीक है। क्लोरीन देखते हैं 17 35 होता है, एक होता है 17 क्लोरीन का 37 होता है, यानी 36 नहीं होता है। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा क्लोरीन का आइसोटोप नहीं है, तो दिया तो वहाँ पर क्लोरीन 36 जो होता है वो आइसोटोप नहीं होता, ओनली 2 आइसोटोप आर फाउंड, ठीक है, ऑफ क्लोरीन है, ठीक। तो यहाँ पर हमारे हो गए हैं आपके जो है किसके किसके, कार्बन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, क्लोरीन के। और यहाँ पर लिखूंगा आपको नाइट्रोजन के बारे में, तो नाइट्रोजन आइसोटोप होते हैं वो 2 होते हैं आपके 14 और वहाँ पर जो है 15, ठीक है, और आइसोटोप के नाइट्रोजन का नहीं होता। तो नाइट्रोजन आइसोटोप 2 ही होते हैं, क्लोरीन आइसोटोप 2 ही होते हैं, कार्बन ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। तो आइसोटोप से कोई भी क्वेश्चन आपका जाएगा नहीं। हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में, ये भी बहुत आता है, ठीक है। देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेकेंड टॉपिक हमारा है, वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, हिंदी में इसको नाम देते हैं हम लोग सम इलेक्ट्रॉनिक, हिंदी में क्या बोलते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, सम इलेक्ट्रॉनिक के बारे में बड़ा सिंपल। देखिए आइसो माने सेम और क्या हो, इलेक्ट्रॉन, तो जब हमारे इलेक्ट्रॉन समान हो तो वो क्या कह रहे हैं एक दूसरे के, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। दोज मॉलिक्यूल्स एटम्स आयन्स कंपाउंड विच हैव विच कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। ऐसे अणु आयन कुछ भी जिनमें इलेक्ट्रॉन समान हो क्या कहलाएंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक। अब देखिए इसके एग्जांपल बहुत अच्छे हैं, मान ली यहाँ पर बोलेगा N2 का आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन है, तो पहले आप ये देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो देखिए 1 नंबर का 7, 2 कितना हो जाएगा 14, इसका नंबर कितना देखिए 7। हमने बताया ना आपको एटॉमिक नंबर 100% याद करना चाहिए, उसको बिना कोई आगे हो गई नहीं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 7 था 7 2 14, अब मैं लिख दूँ यहाँ पर सिलिकॉन, तो सिलिकॉन नंबर कितना है देखिए 14, तो ये दोनों कैसे दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक। मैं यहाँ पर देखूँ CO, अब देखिए इसका नंबर कितना है 8, इसका नंबर कितना है 6, तो 8 6 कितना हो गया 14, ठीक है। यहाँ लिखते हैं हम लोग, देखिए CN मान लिख दिए हमने, अब देखिए इसका नंबर 7 और 6 13, तो एक नेगेटिव लगा देते हैं कितना हो जाएगा 14, यानी ये सभी कैसे हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। देखिए यहाँ पर मॉलिक्यूल भी है, ठीक है, एटम्स भी हैं, आयन्स भी हैं, तो यहाँ पर कुछ भी हो अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो ब्रेक दूरी क्या कहलाते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। एग्जाम्पल और देखिए, मान लो मैं यहाँ पर ले लूँ आपका जो है H2O, तो देखिए H2O में यहाँ पर 2, इसका 1 H का 1 2 का 2 और 8 2 कितना हो गया 10, ठीक। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग अमोनिया, तो देखिए 7 और 3 कितना हो गए 10, ठीक। यहाँ हमने लिख दिया अमोनिया HF, लिख दो मान लो HF, तो देखो इसका नंबर 9, इसका 1 कितना हो गया 10, ठीक है। अगर यहाँ पर नियॉन लिख दूँ तो नियॉन कितना नंबर है 10, ठीक है। यहाँ AF3 पॉजिटिव लिखते हैं, तो देखिए अभी बताया था मैं आपको एटम नंबर 13 में से 3 गया तो 10, ठीक है। O2 नेगेटिव लिखते हैं कितना हो जाएगा 10, तो यानी ये सभी कैसे हो गए हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए, यानी आइसो इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या समझ गए, दो स्पीशीज विच कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। वे सभी लोग, वे सभी आयन, परमाणु, अणु जिनमें इलेक्ट्रॉन संख्या समान होती क्या कहलाते हैं, वो लोग सब इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं, ठीक है। तो सब इलेक्ट्रॉनिक हमारा जो है यहाँ पर एग्जाम्पल आप समझ गए, ठीक। और एग्जाम्पल देखिएगा, देखिए एटॉमिक नंबर आप लोग याद कर लेंगे तो आपका 100% वहां से टॉपिक जो है वो कैसा हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक। देखिए जैसे मान लो यहाँ पर बोले कि इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन, अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन है, ठीक है। इसका क्या पूछा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक इज, यहाँ क्वेश्चन दिया गया कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो है बताइए, ठीक, इसका आइसो। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन में कैसे देते हैं, बोलो इस तरीके देते हैं Be2 पॉजिटिव, यहाँ लिख दिया हमने Mg2 पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ आपका लिख दिया सी ऑप्शन में O2 नेगेटिव, और डी लिख दिया यहाँ पर O2 नेगेटिव।
अब स्टूडेंट क्या सोचता है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दो है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज दो है, दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं, कभी भी इक्वल चार्जेज वाले लोग आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर दो पॉजिटिव, यहाँ दो पॉजिटिव, ऐसा कभी भी हो ही नहीं सकता। ठीक, तो क्या करेंगे लोग, इसका नंबर कितना है 20, 20 में दो गए तो 18, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18, तो हमको वो देखना है जिसमें इलेक्ट्रॉन कितने हों 18। तो इसका नंबर आपका 4, 4 में से दो गया तो 2, यानी ये नहीं है। इसका नंबर 12 में से दो गया तो 10, ये भी नहीं है। इसका नंबर 8 और 2 10, ये भी नहीं है। इसका नंबर 16 और 2 कितने हो गए 18, आइसोइलेक्ट्रॉन कौन हो गया हमारा 20 है। ठीक, देखिए और एग्जांपल में बना दूं, एटॉमिक नंबर आपको याद हो आइसोइलेक्ट्रॉनिक आइसोटोप आइसोबार बहुत इजी है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल यहाँ पर बना दूँ आपका जो है Cl1 नेगेटिव, तो देखिए यहाँ पर कितना 17 1 18, K1 पॉजिटिव, इसका नंबर 19 में से एक गया तो 18, अभी हमने बनाया था S2 नेगेटिव 18। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग जो है स्कैंडियम, मान लो मैं लिख दूँ 3 पॉजिटिव, अब देखिए इसका नंबर कितना है 21, वो देखिए 21, 21 में से एक गया आपका 20, यहाँ कितना हुआ 19, 3 गए तो 18, यानी ये कैसे सभी आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग P3 नेगेटिव, तो फास्फोरस नंबर कितना है 15, 15 3 कितना हो गया 18। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक वो होते हैं, एग्जांपल अलग अलग हो सकते हैं लेकिन आइसोइलेक्ट्रॉनिक वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन संख्या समान होती है, क्या कहलाते हैं वो लोग आइसोइलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। हम लोग बात करेंगे आइसोबार के बारे में। ठीक है, हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो है आइसोबार बहुत इजी है, इसमें क्वेश्चन जो है, अब यहाँ पर देखिए इसमें अगर प्रॉपर्टी लिखना चाहें तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक में हमने क्या कहा सेम क्या क्या होता है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक में सेम क्या क्या है, तो हमने क्या पढ़ा सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन संख्या कैसी होती है समान होती है। अब अगर इसका इलेक्ट्रॉन संख्या समान होती है तो हम लोग कह सकते हैं सेम क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बोलो कई बार ऐसे बोल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कई सारे दे देते हैं A B C D, ठीक है उसमें इलेक्ट्रॉन को सब दिए हुए हैं, अब बोलेगा कौन से इसमें आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, तो उसमें वो देखना है आपको जिसमें आइसोइलेक्ट्रॉनिक से डिफर है। मान लीजिए किसी में आपको यहाँ पर दिया गया है इस तरीके से K1 पॉजिटिव का 18 ही होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर S2 निगेटिव का दे दिया इसमें 10 होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप देखें बोले कौन सा आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है, कोई ऐसा होगा जिसमें 17 होंगे, 17 वाला क्या होगा आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी कैसे होंगे यहाँ पर सेम होगा, ये हमारी प्रॉपर्टी होगी। एटम डिफरेंट होंगे, मॉलिक्यूल डिफरेंट होंगे, चार्ज डिफरेंट होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर सेम है तो क्या कहलाते हैं वो लोग आइसोइलेक्ट्रॉनिक। हम लोग बात करें किसके बारे में आइसोबार के बारे में। देखिए आइसोबार में क्या है, हम लोग हिंदी में इसको नाम देते हैं समभारी आइसोबार्स, हिंदी में नाम देते हैं सम भारी, मतलब जिसमें भार समान, आइसो मीन सेम, बार मीन वेट, मतलब एटॉमिक वेट। इसमें क्या होता है ओनली सेम एटॉमिक वेट या मास नंबर, यानी द्रव्यमान संख्या, या कह सकते हैं ओनली सेम क्या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ये इंपॉर्टेंट है। जब न्यूक्लियॉन संख्या समान हो यानी n प्लस p का रेशियो जब बराबर हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं आइसोबार। ठीक, एग्जांपल देखते हैं, मान लिया हमने यहाँ पर लिख दिया 18 आर्गन 40। ठीक है, एग्जांपल कोई भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उसका 40 नहीं होता, नहीं ले सकते हैं। ठीक, अब यहाँ लिख दिया हमने 20 कैल्शियम 40, तो आप ये देखिएगा इसमें ऊपर जो वाला अभी बताया था हम लोग क्या होता है एटॉमिक वेट या इसको मास नंबर बोलते हैं, देखिए सेम है। अब यहाँ पर आप खुद बताइए जब एटम डिफरेंट हैं तो इनका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा, तो बोलेंगे क्या आइसोबार की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, नहीं, क्योंकि यहाँ का एटॉमिक नंबर कैसा है डिफरेंट है। ठीक, अब देखिए निकालते हैं हम लोग यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या, देखिए यहाँ पर ऐसा करते हैं हम लोग इसे करते कैसे लिखेंगे, देखिए जेड बराबर 18 या कितना है 20, तो इलेक्ट्रॉन भी कैसे होंगे डिफरेंट डिफरेंट, तो इलेक्ट्रॉन जब डिफरेंट होंगे तो इनकी केमिकल जो प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या सेम होंगी नहीं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या निकाला न्यूट्रॉन कितना निकालेगा, तो 40 में से 18 दुनी
यहाँ कितना जाएगा, 40 में से आपका जाएगा 20 और 22, न्यूट्रॉन आ गया आपका 22, प्रोटॉन कितना आएगा 18, ये आप दोनों ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 40। मैं निकाल रहा हूँ न्यूक्लियॉन का नंबर कितना है, क्या सेम है कि नहीं है। तो न्यूक्लियॉन क्या होता है, एन प्लस पी, ठीक। यहाँ देखिएगा आपका न्यूट्रॉन कितना आएगा 20, प्रोटॉन कितना आएगा 20, तो इसमें भी एन प्लस पी का रेशियो 40, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन कैसे हो रहे हैं सेम। अब और एग्जाम्पल कोई यहाँ पर लेना चाहते हैं हम लोग, मान लो मैं लिख दूँ 19, ठीक है, देखिए मैं लिख दूँ यहाँ पर 19 पोटेशियम 40। तो देख इसका अगर वेट सेम है तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी कैसे होंगे, सेम होंगे यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ देखिएगा क्या मैं लिख रहा हूँ, न्यूट्रॉन निकालेंगे तो 21, 40 में से 19 21, ठीक। पी निकाला कितना हुआ 19, इसको आप जोड़ दो तो कितना हो गया 40, ठीक है। मोस्टली बच्चे रट लेते हैं कि परमाणु भार समान तो एक दूसरे का ऐसो भार, ठीक। लेकिन ये अगर पॉइंट नहीं पढ़ा आपने, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यानी एन प्लस पी का जो टोटल है वो सम होना चाहिए, तो एक दूसरे क्या कहलाते हैं, आइसोबार। तो आइसोबार में एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, प्रोटॉन डिफरेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होंगे, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसका मास नंबर सेम होता है, और क्या सेम होता है, नंबर ऑफ यहाँ पर न्यूक्लियॉन की संख्या समान होती है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है यहाँ से कंप्लीट हो गया, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या क्या हमने पढ़ा, आइसोटोप, आइसोइलेक्ट्रॉनिक और आइसोबार। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, कोई प्रॉब्लम हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं, ठीक है। जितना हो सकता है उतना आपके लिए क्वेश्चन जो है सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।